हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड। तो आज मेरी एक और न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस चीज की ये वीडियो है उससे कनेक्टेड है, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अपने चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो को, जितनी भी मेरी पास वाली पहले वाली वीडियो रह चुकी है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और फर्स्ट थिंग्स कि आप चैनल में जो बेल है, बेल आइकॉन है, आप उसे प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी नई नई वीडियो और नई नई हैक जैसी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ सके, जिसे आप मिस ना कर पाए और आप तुरंत उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने इतने बड़े माथे को अपना स्मॉलर मतलब छोटा कैसे दिखाएं, ऐसे कौन से हेयर स्टाइल क्रिएट। आज मैं कुछ ऐसे तीन हेयर स्टाइल क्रिएट करने वाली हूँ जिससे हमारा जो फॉरहेड है वो बहुत ही छोटा लगेगा। जिनका बहुत ज्यादा चौड़ा होता है उनको अपना फॉरहेड छोटा दिखाने के लिए आज मैं थ्री ऐसे हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ जिससे आपका जो माथा है यानी फॉरहेड है वो बहुत छोटा दिखेगा। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स गो। तो हम आ गए हैं अपने वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ। थ्री लेयर हेयर स्टाइल था जो हमारे फॉरहेड को थोड़ा छोटा दिखा रहा है, इसलिए हमने इसे थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हमने इसे थ्री पार्ट में डिवाइड किया है जो हमारे फॉरहेड को बहुत छोटा सा दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये हेयर स्टाइल भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट एंड थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो लेट्स गो।
तो ये है हमारा थर्ड हेयर स्टाइल सी। अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा रोल करके यहाँ पे ऐसे भी ला सकते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं ठीक रहेगा वो, पर आप ऐसे कर सकते हैं, हल्का सा ऐसे। अगर आपका मन हो या आपको आगे के बाल बहुत इरिटेट लगते हो तो यस, आपके लिए एक सेकेंड ऑप्शन मैंने दे दिया है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं मेरे सेकेंड ऑप्शन को। ये भी बहुत गॉर्जियस लुक दे रहा है। तो अगेन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और बीच में वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्किप करने के चक्कर में आप वो छोड़ देते हैं। तो मुझे आई होप कि आपको ये मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।